खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी के संत कबीर नगर में भरी बैठक में बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के विधायक राकेश सिंह की जूतों से पिटाई की। विकास कार्य के एक शिलापट पर बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी का नाम नहीं था, जिसको लेकर सांसद और विधायक राकेश सिंह के बीच विवाद हुआ। विधायक राकेश सिंह पर हमले के बाद उनके समर्थकों ने संत कबीर नगर में कलेक्ट्रेट पर भारी हंगामा किया, पुलिस ने किया बल प्रयोग। लाठीचार्ज के विरोध में विधायक राकेश सिंह के समर्थक धरने पर बैठे। विधायक की पिटाई करने वाले सांसद शरद त्रिपाठी ने कहा कि यह आत्मरक्षा में की गई प्रतिक्रिया थी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए विधायक राकेश सिंह ने कहा कि क्या घर में झगड़ा नहीं होता, वो कहीं इसकी शिकायत नहीं करेंगे। संत कबीर नगर में मीटिंग के दौरान मारपीट करने वाले सांसद और विधायक को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ तलब किया। शांति की पहल के दिखावे के बीच पाकिस्तान ने एलओसी पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा से अतिरिक्त सिपाहियों और सैन्य उपकरणों को हटाकर एलओसी पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान ने 155 एमएम तोपों से नौशेरा सेक्टर में अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया, सेना ने बोफोर्स तोपों से जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज ने कृष्णा घाटी और सुंदरबनी में भारतीय चौकियों और असैन्य इलाकों को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की गोलीबारी से खौफ में लोग, पाकिस्तान हर दिन कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर में सीमा पर रह रहे लोगों ने एबीपी न्यूज पर सरकार से बंकर बनवाने की अपील की। नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से कहा, नहीं माने तो गंभीर नतीजे के लिए तैयार रहो। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने किया हमला, आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना में भर्ती होने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे युवा। गुजरात के कच्छ में भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। दिग्विजय सिंह और केशव मौर्य के बाद अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से मांगे एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों के मारे जाने का सबूत। एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को गृहमंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, क्या हमला करने के बाद उतरकर लाशें गिनना पायलट का काम था? महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने एयर स्ट्राइक के लिए सेना और सरकार की तारीफ की, दिग्विजय सिंह के बयान को नकारा। भारतीय वायुसेना ने सरकार को बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत सौंपे, सबूत में जैश के ठिकानों को तबाह करने वाली तस्वीरें शामिल। भारतीय रडार और सैटेलाइट में कैद हुई है जैश के ठिकानों की तबाही की तस्वीरें, एयरफोर्स ने बीते 26 फरवरी को की थी एयर स्ट्राइक। फ्रांस के राजनयिक ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के समर्थन की बात दोहराई, कहा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए फ्रांस का पूरा समर्थन। विदर्भ राज्य बनाने की मांग को लेकर नागपुर में गडकरी और सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में हंगामा, कुछ युवाओं ने की नारेबाजी। अलग विदर्भ राज्य की मांग कर रहे लोगों ने गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के सामने पर्चे उछाले। नारेबाजी से नाराज नितिन गडकरी ने पुलिस को युवकों को गिरफ्तार करने को कहा, इसके बावजूद जब नारेबाजी नहीं थमी तो गडकरी ने प्रदर्शनकारियों को पिटाई की धमकी दी। नागपुर में बोले नितिन गडकरी, कहा स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, जरूरत पड़ी तो कानून भी लाएंगे। बिहार में सीएम नीतीश की डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को नसीहत, मीडिया में आने के बजाय काम पर ध्यान दे, सरकार की छवि को बनाए रखें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जवानों के शव पर राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा जवानों के शव पर राजनीति करने में क्या शर्म नहीं आती। मोदी सरकार के कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक आज, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जनऔषधि दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी करेंगे संवाद, जनऔषधि केंद्रों के मालिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को मोदी ने कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल सीएम कहा, कलबुर्गी में की रैली। कर्नाटक के कलबुर्गी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा खुद को मिल रही धमकियों और गालियों से परेशान नहीं है। नागपुर में आज मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आज सागर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी संयोजकों की बैठक को करेंगे संबोधित। आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पंजाब के मोगा और हिमाचल के कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे।
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पीएम पर हमलावर राहुल गांधी, कहा राफेल में पीएम पर केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत। एबीपी न्यूज से निजी बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में उतरने के संकेत दिए। रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज से कहा चुनाव लड़ने के लिए समर्थकों का भारी दबाव। 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल। सूत्रों का दावा कांग्रेस में शामिल होकर जामनगर से चुनाव लड़ सकते हैं हार्दिक पटेल। लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों का नाम तय करने को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, सोनिया गांधी के घर पर होगी बैठक। दिल्ली में एनएसयूआई ने बेरोजगारी के विरोध में जूता पॉलिश के जरिए अभियान चलाया। आगरा में भी एनएसयूआई ने बेरोजगारी के विरोध में राहगीरों के जूतों पर पॉलिश कर विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया पर बिहार के किशनगंज में केस। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा दिग्विजय को लगता है कि आतंक और आतंकवादियों के पक्ष में बोलने पर भारत का मुस्लिम खुश होगा। गया से बीजेपी सांसद सुशील सिंह का दिग्विजय सिंह पर वार, कहा एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मध्यप्रदेश के कटनी में सहायक समिति के प्रबंधक के घर लोकायुक्त की टीम का छापा। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया जाएगा, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा। दिल्ली में नियमित किए जाने की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, 1,00,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्भया योजना के अंतर्गत पिंक बस सेवा की शुरुआत की। प्रशांत भूषण के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रशांत भूषण ने सरकार पर कोर्ट को झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सिख दंगा मामले में सुनवाई। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार केस में आरोपी है। महाराष्ट्र के अलीबाग में डायनामाइट की मदद से कल उड़ाया जाएगा पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी का घर। यूपी के बहराइच में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामसुंदर चौधरी को गोली मारी गई, हालत गंभीर। बहराइच में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमले के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के उन्नाव में संदिग्ध गिरफ्तार चलती बस से कूदने के बाद पुलिस ने पकड़ा, जांच जारी। लखनऊ के डालीगंज इलाके में कश्मीर के कारोबारी को पत्थरबाज बताकर लाठी डंडों से पीटा गया। राहगीरों ने लखनऊ में ड्राई फ्रूट बेच रहे कश्मीर के शख्स को बचाया, पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज कुंभ में टेंट सिटी बसाने वाली कंपनी के मैनेजर से 7,00,000 रुपए की लूट, घटना की जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ साइबर क्राइम ब्रांच ने एटीएम फर्जीवाड़े के मामले में रोमानिया के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लूट की वारदात करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, चाकू पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए। बिहार के हाजीपुर में ससुर ने की दामाद की हत्या, बेटी की दूसरी जाति में शादी करने से नाराज थे परिवार वाले। बिहार के बक्सर में सोने चांदी की ज्वेलरी बनाने वाले कारीगर से 3 लाख के सोने की लूट। मुंबई में टीवी अभिनेत्री आरजू गोवित्रीकर ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया, पति सिद्धार्थ पर केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, थाने में फर्जी दस्तावेजों के साथ 5 महिलाएं गिरफ्तार। मुंबई के कुर्ला में मस्जिद में नमाज पढ़ने के बहाने आए लोगों ने चोरी की, 1 शख्स के जरूरी दस्तावेज चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ओडिशा के संबलपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर महिला को एएसआई ने पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल होने पर आरोपी पुलिसकर्मी निलंबित। हैदराबाद में सोना तस्करी के गैंग का भंडाफोड़, करीब 500 ग्राम सोना बरामद। राजस्थान में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह का ऐलान, राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी का किस्सा। एमपी के मुरैना में 1 शख्स की अनोखी अपील, बेटे की शादी के कार्ड पर लिखा आशीर्वाद या उपहार नहीं, केंद्र में फिर से मोदी सरकार चाहिए। यूपी के बलिया जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सफाई कर्मचारी के पैर धोए। सफाईकर्मी ने बताया कि जब वो पिछले 5 महीने के बकाए वेतन की मांग को लेकर सीएमओ के पास गया तो उन्होंने कुर्सी पर बैठाकर उसके पैर धोए।
हिमाचल प्रदेश में कालका से शिमला के बीच ओपन एयर रेस्टोरेंट ट्रेन की शुरुआत। ट्रेन के 5 घंटे के सफर में परिवार के साथ कर सकेंगे पार्टी। उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने धीरूभाई अंबानी स्क्वायर मुंबई को समर्पित किया। ऑस्ट्रेलिया से तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम रांची पहुंची। कल दोपहर 1:30 बजे से होगा मैच। 5 वनडे की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी रांची से 10 किलोमीटर दूर धोनी के फार्म हाउस पर पहुंचे। रांची में धोनी का आखिरी मैच हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम पर बने पवेलियन का उद्घाटन करने से मना किया। झारखंड क्रिकेट संघ ने पवेलियन बनाया। टीम इंडिया की नई जर्सी हुई लॉन्च। बीसीसीआई ने ट्विटर पर शेयर की धोनी विराट समेत 6 खिलाड़ियों की तस्वीर। महिलाओं पर टिप्पणी करने के मामले पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। सीओए लोकपाल डीके जैन को भेज सकती है मामला। आईपीएल के लिए चेन्नई की टीम का कैंप 16 मार्च से शुरू होगा। 23 मार्च से मुकाबले। दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में दूसरे वनडे में श्रीलंका को 113 रनों से हराया। 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच गुवाहाटी में दूसरा T20 आज। भारत 3 मैच की सीरीज में 0-1 से पीछे। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु पहले ही दौर में बाहर। कोरिया की सुंग जी ह्यून ने हराया। अमेरिका का पाकिस्तान को एक और झटका। पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा की अवधि को 5 साल से घटाकर 1 साल किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए चीन के उप विदेश मंत्री कोंग शुआन्यू पाकिस्तान यात्रा पर पहुंचे। चीन ने दलाई लामा के खिलाफ जहर उगला। तिब्बत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख ने कहा दलाई लामा ने क्षेत्र के लिए कोई बेहतर काम नहीं किया। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आत्मघाती बम धमाके में 17 लोगों की मौत। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी का बयान अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद गहरे। अब समझौते की संभावना नहीं। उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन की वियतनाम यात्रा पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया गया। यह है एबीपी न्यूज़। आपको रखे आगे।